आज बनाने वाले हैं मूंग दाल का हलवा एकदम से हलवाई स्टाइल, यानी कि ढेर सारी ट्रिक और टिप्स के साथ, क्योंकि हलवाई वाले मूंग दाल के हलवे में कलर और स्वाद दोनों ही गजब का आता है और उसके ऊपर घी भी आ जाता है जिस तरीके से इस मूंग दाल के हलवे पर आया है। बाकी के पूरी की पूरी रेसिपी में ही काफी ट्रिक और टिप्स हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक हम बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे मूंग दाल, ये लगभग 250 ग्राम जितनी है। अब इसको हम दो तीन बार साफ पानी से धुल लेंगे। मूंग दाल हमने 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धुल ली है, तो अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप मूंग दाल का 2.5 गुना जितना डाल दें। अब इसको ढककर ऐसी छोड़ देंगे लगभग 4 घंटे के लिए। 4 घंटा हो चुका है और मूंग दाल भी हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है, तो इसे एक चलनी में निकाल लेते हैं। 3 मिनट हो चुका है, दाल भी हमारी थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है। तो अब लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डाल देंगे हम दाल को। इसे हम 2 बार में पीसेंगे, क्योंकि अगर इसे हम 1 बार में भरकर पीसते हैं तो जो हमारी मूंग दाल है वो बहुत ज्यादा बारीक हो जाएगी, तो इसीलिए इसे आप 2 बार में पीसें। अब मूंग दाल हमारी पीस चुकी है, बस इस तरीके से हल्का सा दानेदार पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, हल्की सी मोटी रहे। इसी मोटी पीसी हुई दाल की वजह से ही जो मूंग दाल का हलवा हम खाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा दाना आता है, और वही मूंग दाल के हलवे को काफी टेस्टी भी बनाता है। अब मूंग दाल को एकदम बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। अब मूंग दाल हमने पीस ली है, तो चलते हैं सीधा गैस की तरफ और इस पर रख देते हैं एक लगन। मैंने यहाँ पर लगन लिया है, आप लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं। बस इसे आप जिस भी बर्तन में बनाएं उसका तला जो है भारी हो, और लोहे की कढ़ाई या लगन के अलावा आप एल्यूमिनियम के बर्तन में बिल्कुल भी ना बनाएं, नहीं तो इसे बनाने में बहुत दिक्कत होगी। फिलहाल अब इसमें हम घी डाल देंगे, तो घी लगभग मैंने यहाँ पर 150 ग्राम जितना लिया है। घी हल्का सा गर्म हो चुका है, तो इसमें दाल को डाल देंगे और अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान है कि जैसे ही आप दाल डालें इसे तुरंत चलाते रहें, क्योंकि अभी दाल बर्तन में चिपकेगी और जैसे जैसे ये भुनती जाएगी दाल का चिपकना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो शुरुआत में आपको लगेगा क्या मैंने झंझट का काम ले लिया, मैंने कहां से ये रेसिपी देख ली, इसे तो भुनने में बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन सिर्फ 2 से 3 मिनट के बाद आप कहेंगे कि अरे अब तो ये बड़ी आसानी से भुन रही है, तो मुझे इस लकड़ी वाले कलछल से भुनने में हो रही है दिक्कत। तो लेंगे इस तरीके की हम लोहे की कलछल और इससे जो हमारी दाल तले में चिपक चुकी है उसको छुड़ा लेंगे। देखिएगा कितनी आसानी से छूट रही है। बस इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एल्यूमिनियम का बर्तन आपको नहीं लेना है, सिर्फ आप लोहे की कढ़ाई लें या इस तरीके का लगन, ये कॉपर का होता है। फिलहाल मूंग की दाल को भूनते भूनते लगभग 4 मिनट हो चुका है और आप देख भी सकते हैं कि अब ये लगन में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। तो बस आप इसे चलाते हुए भूने। अब इसको भूनेंगे कम से कम 20 से 25 मिनट, इतना समय तो कम से कम आपको जरूर देना पड़ेगा। अब देखिएगा दाल के ऊपर हल्का सा तेल आ चुका है और आपको भूनते भूनते खुद ही लगने लगेगा कि जो हमारी दाल है वो घी छोड़ने लगी है। बस घी छोड़ने लगे समझिएगा कि आपकी दाल जो भून के रेडी हो चुकी है। गैस की फ्लेम हमने बंद कर दी है, तो अब डालेंगे इसमें हम चीनी। चीनी लगभग मैंने यहाँ पर 450 ग्राम जितनी ली है, यानी कि 250 ग्राम मैंने दाल ली थी, तो लगभग आप समझ सकते हैं कि उसका 2 गुना चीनी ले लें। अब डालेंगे इसमें हम पानी। पानी लगभग डालेंगे यहाँ पर हम 700 ml जितना। अब पानी डाल दिया है, तो इसमें डालेंगे हम कलर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा पीला कलर डालेंगे, इसी के साथ डालेंगे इसमें लाल कलर, इसको पीले कलर से थोड़ा सा कम डालेंगे। कलर मिल चुका है, तो गैस की फ्लेम को कर लेंगे ऑन। अगर आप इसे घर पे बना रहे हैं वो भी शुद्ध देसी घी में, तो कम से कम मूंग के दाल के हलवे की कीमत आपको 200 रुपए किलो पड़ेगी, यानी कि आप घर पे शुद्ध भी बना रहे हैं और क्वांटिटी में भी ज्यादा बन रहा है, बस थोड़ी सी मेहनत है। फिलहाल हमारी मूंग की दाल का हलवा तो अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे थोड़े से कटे हुए बादाम और अब डाल देंगे थोड़े से काजू, लगभग ये 50-50 ग्राम जितने होंगे। लगभग भूनते भूनते 3 मिनट हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे हम मावा। ये मैंने दानेदार मावा लिया है और इसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर की है। 50 से 60% मिठाइयाँ इसी मावे की बनती है, क्योंकि इसमें होता है दाना और दाना होता है फीका, और जो खोया होता है वो होता है हल्का सा मीठा, और इसी के कॉम्बिनेशन से जो भी हम मिठाई बनाते हैं उसका टेस्ट अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मावा हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, तो अब करेंगे फिर से हलवाई वाली ट्रिक का यूज, यानी कि इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। तो आप बाद में जरूर घी डालें और फिर उसके बाद इसे बहुत अच्छी तरीके से भूने। मैंने हर बार आपको बताया है कि जितनी भी हलवाई वाली मिठाइयाँ होती हैं, खासतौर से गाजर का हलवा, कद्दू या लौकी की बर्फी, डोडा बर्फी और इस तरीके की मूंग दाल की बर्फी, जिसमें खोए के अलावा और भी चीजें ऐड होती हैं, तो उसे घी डालकर आखिरी में जरूर भुना जाता है, तभी उसका टेस्ट बढ़ता है, वरना उसके अंदर कच्चापन आएगा और फिर आप कहेंगे कि हलवाई जैसा स्वाद ही नहीं आया। अब मूंग दाल का हलवा हमारा बन चुका है, तो इसमें डाल देंगे थोड़े से हम पिस्ता। अब कलर देखिएगा एकदम से परफेक्ट आया है। फिलहाल इस मूंग की दाल के हलवे को हम निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में। अब मूंग दाल के हलवे को बड़े से बर्तन में निकाल लिया है और अब डालेंगे इसके ऊपर हम घी। जी हाँ, यही करते हैं हलवाई वाले लास्ट में, वो इसके ऊपर घी डाल देते हैं और फिर हम कहते हैं कि जो उनकी मूंग की दाल का हलवा है उसके ऊपर एकदम से घी आ जाता है और उसका टेस्ट भी काफी हट के आता है। तो बस वो लास्ट में घी डालते हैं, वरना पहले कितना भी घी डालिएगा सारा का सारा घी मूंग दाल पी जाएगी। तो बस आप बाद में घी डाल दें, थोड़े से जो बचे हुए पिस्ता है वो इसके ऊपर और डाल देंगे। फिलहाल हमारी मूंग की दाल का हलवा तो बनके तैयार हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस त्यौहार पे आप इस मूंग की दाल के हलवे को जरूर बनाएंगे। बनाए तो अपना हमें फीडबैक जरूर दें कि ये कैसा बना, और अगर आपको लगता है कि इस तरीके का मूंग दाल का हलवा आपका कोई रिलेटिव, रिश्तेदार, नातेदार या दोस्त वगैरह भी खाना चाहें, तो उसको ये रेसिपी आप शेयर कर दीजिएगा।